नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भार्गव। मैं सहायक प्राध्यापक खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन रंजीत एवेन्यू अमृतसर। विद्यार्थियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में प्रेक्षण पद्धति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों में जिज्ञासा एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम हर कक्षा में देखते हैं कि विद्यार्थियों के पास प्रश्नों की बौछार होती है, अर्थात हर बात पर उनके लिए एक प्रश्न तैयार रहता है, और इसी जिज्ञासा को शांत करने हेतु शिक्षक कक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियां अपनाता है, अर्थात कक्षा कक्ष में नियंत्रण रखने के लिए, कक्षा को सजीव, सरल और रोचक बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियां अपनाता है। इन्हीं शिक्षण विधियों में से एक विधि है प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण, जिसे हम अवलोकन करना भी कह सकते हैं, निरीक्षण करना भी कह सकते हैं। प्रेक्षण का अर्थ है घटनाओं को जैसे वे प्रकृति में होती हैं, कार्य और कारण की संबंध की दृष्टि से देखना तथा नोट करना। अर्थात इसमें विद्यार्थी सिर्फ अवलोकन करके, देख के समझने का काम करता है। एक साधारण सा उदाहरण, जैसे हम प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को दिन और रात कैसे बनते हैं ये सिर्फ अवलोकन करने के लिए अगर उन्हें दें, तो वे सरलता से अवलोकन करके बता सकते हैं कि जब सूर्य उदय होता है उसके साथ दिन, और जब सूर्य अस्त होता है उसी के साथ रात शुरू हो जाती है। अर्थात उन्होंने उस चीज़ का प्रेक्षण किया जो प्रकृति में निहित है, साथ ही उसे कार्य और कारण की संबंध की दृष्टि से समन्वित किया और फिर उसे नोट किया, अर्थात लिखित रूप में उसे लिखा। अर्थात प्रेक्षण में हम सभी घटनाओं को प्राकृतिक रूप में देखते हैं और साथ ही उसमें कार्य और कारण की संबंध की दृष्टि से समन्वय करते हैं। प्रेक्षण में सांस्कृतिक, औद्योगिक, राजनीतिक और भौगोलिक तथ्यों और संबंधों पर ठोस दत्त सामग्री अधिक वास्तविक, प्रत्यक्ष और वर्णनीय मानी जाती है। अर्थात प्रेक्षण में हम सांस्कृतिक पक्ष का, औद्योगिक पक्ष का, राजनीतिक पक्ष का और भौगोलिक पक्षों का अवलोकन कर सकते हैं, साथ ही जो हमने तथ्य जुटाए हैं उन्हें हम संबंधित करके उनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अर्थात प्रेक्षण में अवलोकन शामिल होता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर प्रेक्षण विधि अत्यधिक रोचक और आनंददायक मानी जाती है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों पर किसी तरह का बोझा नहीं होता। वो अपने आरामदायक वातावरण में किसी भी चीज़ का निरीक्षण और प्रेक्षण के बाद अधिगम पर पहुंच जाते हैं। इस पद्धति द्वारा विद्यार्थी ज्ञात से अज्ञात अधिगम की ओर बढ़ते हैं, अज्ञात ज्ञान जिसे विद्यार्थियों ने अवलोकित किया है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षण के बहुत से सूत्र हैं, जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर अधिगम। ये शिक्षण के सूत्र शिक्षण विधि को उचित बनाने हेतु काम में लाए जाते हैं। जब विद्यार्थी किसी ज्ञात ज्ञान से अज्ञात ज्ञान की ओर बढ़ता है, अर्थात जो चीज़ उसे पता है और उसके बाद वो उन चीज़ों को खोजता है जो उसे पता नहीं होती, तो वो क्षण विद्यार्थी के लिए आनंददायक होता है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से कुछ खोज के कार्य किया है। अज्ञात ज्ञान विद्यार्थी अवलोकित करता है और यही अवलोकन उसे निरीक्षण पद्धति, प्रेक्षण पद्धति की तरफ लेके जाते हैं। प्रेक्षण विधि को कई दार्शनिक विचारधाराओं ने भी कक्षा कक्ष में उपयोग करने पर अपनी सहमति जताई है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के दर्शन शास्त्र में हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद इत्यादि को शामिल करते हैं। उसी में एक विचारधारा है आदर्शवादी विचारधारा। आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक पेस्टोलॉजी ने प्रेक्षण विधि को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित करने का समर्थन किया है। अर्थात वो मानते हैं कि जब कक्षा कक्ष में विद्यार्थी के समक्ष प्रेक्षण विधि रखी जाती है, तो विद्यार्थी अधिगम सरल और सुचारू रूप से कर सकते हैं।
दर्शन शास्त्र की प्रकृतिवादी विचारधारा भी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का आधार मानती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया गया ज्ञान चिरस्थायी होता है, अर्थात एक बार आप जिस चीज़ को अवलोकित कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसकी स्मृति हमेशा आपके मस्तिष्क पटल पर बन जाती है। या आप जिन चीज़ों को सुन लेते हैं, वो भी चीज़ें आपको कई साल तक याद रह सकती हैं। इसी तरह से प्रकृतिवादी विचारधारा ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का आधार मानती हैं। प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक जैसे महात्मा गांधी, रूसो, टैगोर इत्यादि विद्यार्थी के अधिगम हेतु प्रेक्षण विधि को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। प्रकृतिवादी विचारधारा प्रकृति से संबंध रखती है और ये कहती है कि प्रकृति के अधीन किया गया अधिगम ही सर्वश्रेष्ठ अधिगम है, और उसके समर्थक महात्मा गांधी, रूसो, टैगोर आदि विद्वान माने जाते हैं। ये सारी प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक विद्यार्थियों के अधिगम हेतु प्रेक्षण विधि को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे प्रेक्षण पद्धति की विशेषताएं। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक के सजग निर्देशन के अंतर्गत प्रेक्षण पद्धति बहुत प्रभावशाली सिद्ध होती है, अर्थात कक्षा में जब शिक्षक प्रेक्षण पद्धति का उपयोग कर रहा है तो वो अपने सजग निर्देशन के अंतर्गत विद्यार्थियों को रख के उनके अधिगम को सहज और सरल बना सकता है। प्रेक्षण द्वारा सीखे गए तथ्य, कौशल और व्यवहार अधिक समय तक याद रहते हैं, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियां उपयोग में लाई जाती हैं, और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखे गए तथ्य, कौशल और व्यवहार हमें अधिक समय तक याद रहते हैं। प्रेक्षण पद्धति द्वारा सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान में समन्वय स्थापित होता है। सैद्धांतिक ज्ञान वो ज्ञान है जो हम पुस्तकों में प्राप्त करते हैं, और व्यवहारिक ज्ञान वो ज्ञान है जिसे हम अपने जीवन में काम करके सीखते हैं। तो प्रेक्षण पद्धति के द्वारा किताबी ज्ञान और व्यवहार में किया गया ज्ञान समन्वित होता है। प्रेक्षण पद्धति में विषय वस्तु पर जोर दिया जाता है, अर्थात हम जो चीज़ें अवलोकित करते हैं वो चीज़ें हमारी विषय वस्तु ही मानी जाती हैं। प्रत्यक्ष अनुभव या वास्तविक स्थानों के भ्रमण अवलोकन पद्धति में निहित है, अर्थात प्रेक्षण विधि में हम प्रत्यक्षता अनुभव करते हैं, अर्थात खुद कुछ काम करके हम सीख रहे हैं, साथ ही वास्तविक स्थानों के भ्रमण भी इसमें निहित है। जब भी प्रेक्षण पद्धति का हम उपयोग करते हैं तो या तो अपने आसपास के परिसर में या फिर परिसर से थोड़ा सा दूर वास्तविक स्थान जो कि ऐतिहासिक या फिर औद्योगिक या फिर प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उन स्थानों का भ्रमण विद्यार्थियों के साथ किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि पर्यावरण में अध्ययन शिक्षण में प्रेक्षण पद्धति के उदाहरण कौन कौन से हैं, अर्थात हम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रेक्षण पद्धति किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर हम ऐसी कई प्रकरणों को प्रेक्षित करा सकते हैं जो विद्यार्थी के आसपास ही मौजूद हैं, जैसे कि परिवार, उनके सदस्यों की भूमिका, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि की विशेषताएं, उनके पंखों की विशेषता या आपस में उनकी समानताएं और विषमताएं, साथ में समाज, सामाजिक मूल्य और पारिवारिक मूल्य, समाज में सामाजिक मूल्यों का महत्व, परिवार में पारिवारिक मूल्यों का महत्व, परिवार में विभिन्न सदस्य और उन सदस्यों की विभिन्न भूमिका, उन भूमिकाओं को विद्यार्थी अवलोकित करेगा, उनका प्रेक्षण करेगा और फिर उससे संबंधित सामग्री को एकत्रित करेगा। इसके अलावा हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, उनसे संबंधित प्रदूषण, प्राकृतिक साधन, उनका संरक्षण और संचार साधनों का भी अवलोकन विद्यार्थियों को करा सकते हैं। प्रदूषण एक आम समस्या है जिसमें हम जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि ले सकते हैं। हम आसपास के जलाशय या नदियों पर विद्यार्थियों को प्रेक्षण करा सकते हैं कि किस तरह
ये नदियाँ या तालाब गंदे हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, तो विद्यार्थी स्वयं अवलोकित करके ये देख पाएंगे कि जो जल प्रदूषण है उसका प्रमुख कारण है कारखानों से निकलने वाला गंदा कचरा, या फिर आसपास के लोग जो वहाँ आके नहाते हैं, अपने मवेशियों को नहलाते हैं, उसके कारण भी जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो हमें क्या प्रदान करते हैं और उनका दोहन हम किस तरह कर रहे हैं, साथ में उनका संरक्षण हमें किस तरह करना है, ये सब चीज़ें बच्चों को अवलोकित कराई जा सकती हैं। प्राथमिक स्तर पर हम संचार साधनों के बारे में भी विद्यार्थियों को प्रेक्षण करा सकते हैं। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो हम प्राथमिक स्तर पर हमारे अतीत, पुरातात्विक साधन, ऐतिहासिक इमारतें और उनकी सार संभाल, इनका भी प्रेक्षण विद्यार्थियों को करा सकते हैं। विद्यार्थी इन ऐतिहासिक इमारतों को अवलोकित करके उनकी स्थापत्य कला, उनकी साज सज्जा, उनके संरक्षण इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेक्षण पद्धति के प्रकार। प्रेक्षण पद्धति को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, पहला नियंत्रण के आधार पर और दूसरा सहभागिता के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर अर्थात इसमें शिक्षक का नियंत्रण विद्यार्थियों पर कितना है, इस आधार पर हम इसे तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। नियंत्रण के आधार पर प्रेक्षण पद्धति के तीन प्रकार हैं, पहला सरल तथा अनियंत्रित विधि, दूसरा व्यवस्थित अथवा नियंत्रित विधि और तीसरा आयोजित प्रेक्षण। सरल और अनियंत्रित विधि में हम स्कूल या कक्षा के आसपास के परिसर का प्रेक्षण विद्यार्थियों से करा सकते हैं और ये प्रेक्षण सरल माना जाएगा क्योंकि इसमें किसी तरह का नियोजन की आवश्यकता नहीं है और शिक्षक के नियंत्रण की भी कमी इसमें मानी जाएगी क्योंकि विद्यार्थी अपने कक्षा के आसपास के परिसर को आसानी से अवलोकित कर सकते हैं, अर्थात इसमें शिक्षक का नियंत्रण ना के बराबर होता है। दूसरा प्रकार है व्यवस्थित अथवा नियंत्रित। व्यवस्थित अथवा नियंत्रित पद्धति में विद्यार्थी और शिक्षक के मध्य आधा आधा संतुलन होता है, अर्थात विद्यार्थियों को कुछ मामले में नियंत्रण से बाहर रखा जाता है और कुछ मामलों में नियंत्रण के अधीन रखा जाता है। तीसरा प्रकार है आयोजित प्रेक्षण। आयोजित प्रेक्षण एक दिन का या दो दिन का भी हो सकता है जिसमें शिक्षक को संपूर्ण योजना आयोजित करनी है, जिसमें शैक्षिक भ्रमण भी सम्मिलित होता है, विद्यार्थी अपने शिक्षक के साथ उस आयोजना का हिस्सा होता है और साथ में आयोजन करता है। दूसरा प्रकार है सहभागिता के आधार पर। सहभागिता इसमें विद्यार्थी और शिक्षक की। सहभागिता के आधार पर प्रेक्षण पद्धति को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं, पहला सहभागी प्रेक्षण, दूसरा असहभागी प्रेक्षण और तीसरा सामूहिक प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों एक दल के रूप में कार्य करते हैं, एक समूह के रूप में कार्य करते हैं और साथ में ज़रूरत पड़ने पर शिक्षक विद्यार्थियों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। असहभागी प्रेक्षण में विद्यार्थी सरल और अनियंत्रित रूप से प्रेक्षण करते हैं, जैसा कि कक्षा के आसपास या फिर विद्यालय के आसपास के परिसर का। और तीसरा प्रकार है सामूहिक प्रेक्षण। सामूहिक प्रेक्षण में विद्यार्थियों के विभिन्न समूहों का निर्माण होता है और उन समूहों को दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक एक दिशा निर्देशक की भूमिका निभाता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रेक्षण पद्धति के चरण। प्रेक्षण पद्धति को कक्षा में स्थापित करने के लिए उसके विभिन्न चरण माने गए हैं, जिसमें प्रथम चरण है योजना बनाना। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रेक्षण पद्धति का भी उपयोग करते समय शिक्षक को योजना बनानी होगी। इस योजना में वो विभिन्न तरह के कार्य करेगा, जिसमें सबसे पहले प्रेक्षण कहाँ का कराना है, किस जगह का कराना है,
अगर वो जगह ऐसी है जिसकी पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता है तो वो पूर्व अनुमति लेगा, साथ ही प्राधान्य अध्यापक से पूर्व अनुमति, विद्यार्थियों के माता पिता से पूर्व अनुमति, साथ ही उसके स्रोत क्या क्या होंगे, ये सब चीज़ें उसकी योजना का एक हिस्सा हैं। योजना अगर सही तरीके से बनेगी तो उसका क्रियान्वयन भी उतने ही अच्छे तरीके से होगा। योजना बनाने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक प्रेक्षण के लिए लेके जाता है, अर्थात अब वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से विद्यार्थी अवलोकन करेगा। विद्यार्थी अवलोकन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट भी लिखेगा और उसके बाद प्रेक्षण कार्य का विश्लेषण और व्याख्या भी करेगा। प्रेक्षण कार्य के विश्लेषण में प्रेक्षण में क्या क्या चीज़ें आपने अवलोकित करी हैं, उसमें आपने क्या समानताएं और विषमता पाई हैं, उन सब को व्याख्यात्मक रूप से आपने लिखना है। इसके पश्चात प्रेक्षण पद्धति का अंतिम चरण है उसका सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण करने में विद्यार्थी और शिक्षक दोनों समान रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे। विद्यार्थी शिक्षक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात शिक्षक उसका सामान्यीकरण करके निष्कर्ष निकालेगा और प्रेक्षण पद्धति से विद्यार्थियों ने क्या अधिगम किया और उसका क्या सारांश निकला, ये भी शिक्षक लिखित रूप में विद्यार्थियों को बताएगा। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे प्रेक्षण पद्धति के लाभ। प्रेक्षण पद्धति व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है। हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है और अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं उसमें शामिल हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ है कि कुछ विद्यार्थी देख के सीखते हैं, कुछ विद्यार्थी पढ़ के सीखते हैं और कुछ विद्यार्थी स्वयं कार्य करके सीखते हैं। प्रेक्षण पद्धति व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हर विद्यार्थी अपनी स्वयं की प्रतिभा, अपने स्वयं की रुचि के अनुसार सीखता है। अतः प्रेक्षण पद्धति में प्रत्येक विद्यार्थी कुछ ना कुछ अधिगम प्राप्त करता है। प्रेक्षण पद्धति का दूसरा लाभ है व्यक्तिगत संलग्नताओं के सिद्धांत का अनुसरण करती है। प्रेक्षण पद्धति व्यक्तिगत संलग्नताओं के सिद्धांत का अनुसरण कैसे करती है, क्योंकि इसमें हर विद्यार्थी की अपनी खुद की भूमिका होती है, उसका खुद का उत्तरदायित्व होता है और वो संलग्न रह के पूरी प्रेक्षण पद्धति का हिस्सा बनता है और साथ में अधिगम करता है। प्रेक्षण पद्धति विद्यार्थियों में स्व अध्याय की भावना विकसित करती है। स्व अध्याय का अर्थ है खुद पढ़ के कुछ नई चीज़ें ढूंढनी, खोजनी या फिर उसका अवलोकन करना। और प्रेक्षण पद्धति के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, साथ ही स्व अध्याय की भावना भी विकसित करता है। प्रेक्षण पद्धति में प्रकृति को यथार्थ रूप में देखने का अवसर मिलता है। जैसे कि हमने उदाहरण जब प्रस्तुत किए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में, तो हमने देखा कि प्राकृतिक मूल्य, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इत्यादि विषय हम प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। प्रेक्षण पद्धति के द्वारा प्रकृति को यथार्थ रूप में देखने का अवसर भी विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। प्रेक्षण पद्धति के माध्यम से विद्यार्थी बाहरी वस्तुओं, प्रकृति और विभिन्न परिस्थितियों के संपर्क में आता है। अर्थात विद्यार्थी प्रेक्षण पद्धति के द्वारा अपने कक्षा कक्ष से बाहर निकल के प्रकृति, साथ ही प्रकृति से संबंधित चीज़ें और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक विभिन्न विचारों के संपर्क में आता है। प्रेक्षण विधि से प्रेक्षण क्षमता का विकास होता है। प्रेक्षण क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। हमारे सामने कई चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसको अवलोकित नहीं कर पाते। हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और वो कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता हमें विद्यार्थियों में के व्यक्तित्व में शामिल करनी है और ये व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना है। इसीलिए हम प्रेक्षण पद्धति का उपयोग करते हैं ताकि विद्यार्थी की प्रेक्षण क्षमता का, अवलोकन करने की क्षमता का विकास हो सके और वो आगे आने वाले अपने जीवन में
प्रेक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। प्रेक्षण पद्धति के द्वारा शिक्षक और छात्रों के मध्य मधुर और प्रगाढ़ संबंधों का विकास होता है, क्योंकि हमने कहा कि इसमें विद्यार्थी और शिक्षक सहभागी होकर सीखते हैं, समूह के रूप में काम करते हैं, अतः शिक्षक और छात्रों के मध्य मधुर और प्रगाढ़ संबंधों का विकास होता है। प्रेक्षण पद्धति के द्वारा विद्यार्थी अपने ज्ञान को संगठित कर सकता है, वो ज्ञान जो उसको पूर्व में है, साथ ही जो उसने अवलोकित किया है, अर्थात अपने पूर्व ज्ञान और अपने अवलोकित किए गए ज्ञान को संगठित करके प्रेक्षण पद्धति का सहारा लिया जा सकता है। प्रेक्षण पद्धति विद्यार्थी में स्वयं कार्य करने की शक्ति का विकास करता है। प्रेक्षण पद्धति के द्वारा विद्यार्थी कार्य के महत्व को और स्वयं कार्य करने के महत्व को समझता है, अर्थात विद्यार्थी स्वयं कार्य करता है और उसके अनुभव प्राप्त करता है। अब हम अध्ययन करेंगे प्रेक्षण पद्धति की सीमाएं। हर पद्धति की कोई ना कोई सीमाएं ज़रूर होती हैं और प्रेक्षण पद्धति भी इससे अछूती नहीं है। प्रेक्षण पद्धति की पहली सीमा है कि इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता। प्राथमिक स्तर पे ऐसे कई विषय होते हैं जिनका सैद्धांतिक ज्ञान देना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है, और ये सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें प्रेक्षण पद्धति के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, अतः प्रेक्षण पद्धति संपूर्ण पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकती। प्रेक्षण पद्धति द्वारा सीखने और प्रेक्षण क्षमताओं का विकास करने में भी काफ़ी समय लगता है। जैसा कि मैंने कहा कि प्रेक्षण करना एक कला है, हमने क्या देखना है और उससे क्या सीखना है, इन क्षमताओं का विकास विद्यार्थी में करने में काफ़ी समय लग सकता है, अतः ये प्रेक्षण पद्धति की महत्वपूर्ण सीमा है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपयुक्त नहीं, हर विद्यार्थी अवलोकन करके प्रेक्षण करके नहीं सीख सकता, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी में अवलोकन करने का गुण नहीं होता, कौशल नहीं होता, तो प्रत्येक विद्यार्थी प्रेक्षण पद्धति द्वारा सीखने में असक्षम होता है। अब हम अध्ययन करेंगे प्रेक्षण पद्धति की सफलता हेतु सुझाव। शिक्षक होने के नाते यदि आप कक्षा में प्रेक्षण पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो उस प्रेक्षण पद्धति को सफल बनाने हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं। सर्वप्रथम प्रेक्षण पद्धति द्वारा चुना गया विषय विषय केंद्रित होना चाहिए, अर्थात वो प्रकरण जो आपने अवलोकन के लिए लिया है, निरीक्षण के लिए लिया है, वो विषय केंद्रित होना चाहिए। विषय केंद्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अगर आप विषय को केंद्रित नहीं करेंगे, प्रकरण को केंद्रित नहीं करेंगे, तो विद्यार्थी अपनी दिशा से भटक सकता है। अतः ज़रूरी है कि प्रेक्षण से पहले आप विद्यार्थी को बताएं कि आप किस प्रकरण का अवलोकन करने जा रहे हैं और उस अवलोकन के बाद आप क्या सीख पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने प्रेक्षण से पहले विद्यार्थी को बता देनी है। प्रेक्षण पद्धति की सफलता हेतु नियोजन बहुत ही ज़रूरी है, और ये इस सफलता के लिए सुझाव भी है कि प्रेक्षण पद्धति को जब भी अपनाएं उसका पूर्व में नियोजन कर लें, अर्थात उसकी योजना बना लें। पूर्व नियोजन का अर्थ है कि आप विद्यार्थी को प्रेक्षण के लिए कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कौन सा प्रकरण आपने निश्चित किया है, कौन सा दिन आपने निश्चित किया है, अगर उसके लिए पूर्व में अनुमति लेने की ज़रूरत है तो वो आपने ली है या नहीं ली है, किस विद्यार्थी को आपने कौन सा कार्य सौंपना है, ये चीज़ भी प्रेक्षण पद्धति का हिस्सा है, और ये सारी चीज़ें नियोजन के अंतर्गत आएंगी। तो वो नियोजन भी आपने पूर्व में ही करके रखना है, क्योंकि अच्छा नियोजन एक अच्छे परिणाम की तरफ हमको लेके जाएगा। प्रेक्षण पद्धति की सफलता हेतु प्रेक्षण का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, अर्थात पहले से ही उसका उद्देश्य निर्धारित कर लें कि हमने प्रेक्षण के दौरान क्या क्या सीखना है और किन चीज़ों को अवलोकित नहीं करना। एक निश्चित उद्देश्य लेकर प्रेक्षण करना है। प्रेक्षण पद्धति में निरंतरता और समयबद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण है। निरंतरता का अर्थ है कि प्रेक्षण निरंतर होना चाहिए, अर्थात उसमें बीच में कहीं भी बाधा ना आए,
अगर आपका प्रेक्षण 3 दिनों का है तो 1 दिन करके 2 दिन बीच में खराब नहीं करने हैं, आपने निरंतर विद्यार्थियों से अवलोकन करने के लिए कहना है। साथ ही समयबद्धता, समयबद्धता का अर्थ है कि आपने समय सीमा निर्धारित कर देनी है कि प्रेक्षण कितने मिनट का, घंटे का या दिनों का हो सकता है। कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो 1 दिन में प्रेक्षित हो सकते हैं तो कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनको काफ़ी समय लग सकता है। ये समय सीमा आपने निर्धारित करनी है और उस समय सीमा के बाद का समय आपने अपने विद्यार्थियों को नहीं देना, समय में विद्यार्थियों को बांध के रखना है। प्रेक्षण भिन्न और प्राकृतिक परिस्थिति में शिक्षक को कराना चाहिए, अर्थात जब भी प्रेक्षण विधि का आप उपयोग करें उसे भिन्न परिस्थिति में, जो कि आम परिस्थिति से भिन्न हो लेकिन प्राकृतिक परिस्थिति में आपने प्रेक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों को एकत्रित करना है। इसके बाद लिखित लेखा जोखा भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। लिखित लेखे जोखे का अर्थ है कि आपने योजना बनाने से लेकर उसके सारांश तक हर चीज़ को लिखित रूप में रखना है। इसके 2 फायदे हो सकते हैं। पहला, आपको पता होगा कि आपने क्या क्या कार्य किया और उसका क्या सारांश निकला। दूसरा, आगे आने वाले विद्यार्थी उसको देख के एक योजना बना सकते हैं कि जो पूर्व में कार्य किया गया है उसमें और क्या चीज़ें हम जोड़ सकते हैं। दत्त सामग्री का समन्वय भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रेक्षण पद्धति में, अर्थात दत्त सामग्री जो आपने जुटाई हैं उनको समन्वित करके आपने उनका सारांश भी बनाना है। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे प्रेक्षण पद्धति में शिक्षक की भूमिका। हर पद्धति में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक को बहुत सारी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और प्रेक्षण पद्धति में शिक्षक को भी बहुत सारी भूमिकाएं निभानी हैं। जैसे सबसे प्रथम है नियोजन। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी योजना सही है तो आप सफल परिणाम की तरफ बढ़ेंगे, इसी तरह से नियोजन करने में शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा, जिज्ञासा की संतुष्टि। हर विद्यार्थी के मन में कोई ना कोई प्रश्न होता है और उस प्रश्न का उत्तर वो आपसे जानना चाहेगा क्योंकि आप उसके दिशा निर्देशक हैं। इसलिए विद्यार्थियों के मन में जो भी जिज्ञासाएँ हैं, जो भी शंकाएँ हैं, उनका समाधान शिक्षक होने के नाते आपने करना है। शिक्षक होने के नाते आपने एक काम और करना है, वो है विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना। प्रेक्षण करने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। जब तक विद्यार्थी प्रोत्साहित नहीं होगा कार्य करने के लिए, वो प्रेक्षण नहीं कर सकता। और साथ में शिक्षक को समन्वय भी करना है। समन्वय विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थी और विभिन्न शिक्षकों के बीच में, विद्यार्थी और प्राधान्याध्यापक के बीच में, विद्यार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के बीच में, ये सारे समन्वय एक शिक्षक होने के नाते आपने प्रेक्षण पद्धति में करने हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में प्रेक्षण पद्धति के बारे में पढ़ा। प्रेक्षण, जिसे कि अवलोकन करना या निरीक्षण करना भी कह सकते हैं, ये विद्यार्थी के मानसिक और बौद्धिक पक्ष का तो विकास करती ही है, साथ में उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का भी विकास करती है। और शिक्षक होने के नाते आपने अपनी कक्षा में इस विधि का सुचारू रूप से काम करना है ताकि आपकी कक्षा में रोचकता और रुचि बनी रहे। धन्यवाद।